ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं अपने बाबा के पास बैठकर, अपने बाबा से बात करके अपना सुख दुख, अपनी परेशानी, अपनी खुशियाँ और अपने द्वारा जुड़ी हर चीज़, हमसे जुड़ी हर चीज़। आइए अपने बाबा के साथ मिलकर बात करते हैं बाबा से और मिलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि एक साईं ही तो है जिसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। हम चाहे पूरी दुनिया घूम लें पर हमें सुकून तो इनके पास आकर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। जो सुकून बाबा के पास बैठकर मिलता है वो कहीं नहीं है। हमारी जन्नत इन्हीं के चरणों में है, हमारा स्वर्ग इन्हीं के चरणों में है, हमारी खुशियाँ इनसे जुड़कर ही हैं। कहीं भी चले जाएं पर बाबा के पास आकर अलग ही सुकून है। जैसे ऐसा लगता है कि बस माँ की गोद में बैठ गए हैं और अब हमें कुछ नहीं हो सकता, अब हम सेफ हैं, अब हम सुरक्षित हैं। तो बस ऐसा सुकून सिर्फ बाबा के पास ही मिल सकता है। आपको पता है कि हम लोग सब कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा ने हमें प्रार्थना करने वालों में से रखा है। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, किसी का काम जब ख़राब हो जाता है, किसी को जो ज़रूरत होती है या फिर कोई बीमार होता है या फिर किसी भी परेशानी में होता है, तो कुछ लोग क्रोध करते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, है ना। लेकिन जब क्रोध के बजाय जो लोग उनके लिए दुआ करते हैं कि हे प्रभु इसकी हेल्प करना, इसकी मदद करना, इसकी रक्षा करना, वो उस परमात्मा के बंदे होते हैं, वो साई के बच्चे होते हैं, भगवान के बच्चे होते हैं, जो दूसरों की परेशानी को देखकर उनके लिए दुआ करते हैं। कोई आपकी जान पहचान का है या नहीं है, लेकिन अब फिर भी आपके दिल से यदि उसके लिए दुआ निकले तो आप साई के बच्चे हैं, क्योंकि इतनी दया, इतना भाव तो मालिक के बंदों में ही होता है। जो सच्चे ईश्वर के भक्त होते हैं ना, वो कभी किसी का दुख देख ही नहीं पाते। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो बस जब आपका दिल इतना साफ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपके द्वारा कभी किसी का गलत नहीं हुआ, तो फिर भय किस चीज़ का, तो डर किस चीज़ का, फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर सच्चाई है वहाँ भय की जगह नहीं है। बस बाबा के बच्चे हैं हम, तो हमें दो चीज़ें सीखनी है। एक तो पहला माफ़ करना और दूसरा शांत रहना। माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे दिल में भी उसके लिए बहुत सारी बातें बनी रहेंगी कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने गलत किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें रखकर हम क्या करेंगे, है ना। पता नहीं समय का कुछ कब है कब नहीं है, कौन रहा कौन नहीं रहा, इसलिए इतनी सारी बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबको माफ़ कर दीजिए, है ना। हाँ, ये कोशिश कीजिए कि जिसके साथ आपने अच्छा किया फिर भी वो व्यक्ति ने आपका बार बार दिल दुखाया है, उसको दोबारा वो जगह मत दीजिए, उसको दोबारा वो स्थान मत दीजिए, लेकिन हाँ माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। ये सीखना हम सब के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि शांत रहना, परिस्थिति कैसी भी हो शांत रहिए, सबूरी रखिए, क्योंकि जिसके पास सबूरी की ताकत है ना, उससे फिर कोई नहीं जीत सकता, उसकी ताकत का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता। जिसे सब्र करना आता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हर परिस्थिति को किस प्रकार से झेला जाता है, किस प्रकार से सहा जाता है। क्योंकि परेशानियाँ तो सबके जीवन में आती हैं, कोई रो रो कर सबको बताता है, तो कोई रो रो कर सिर्फ अपने भगवान को बताता है। तो जो भगवान को बताता है उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, लेकिन जो दुनिया को बताता है उसकी नैया डगमगाने का भी डर है। इसलिए हमें तो सिर्फ बाबा का भरोसा है। इसलिए जो कुछ कहना है उनसे कहिए जो ठीक करने वाले हैं, क्योंकि जीवन में समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वो समस्या आपको जाते जाते कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी, कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएगी।
परेशानी भी खाली हाथ नहीं जाती, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, कुछ ना कुछ दे कर जाती है। इसलिए अगर समस्या आपके जीवन में चल रही है ना, तो सीखिए, बहुत कुछ सिखा रही है। कुछ अपनों के बारे में बता रही है, कुछ हमें हमारे बारे में भी बता रही है, तो उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बस अपने साईं बाबा से हमेशा यही प्रार्थना करो कि बाबा मुझे अधिक लेने वालों में से नहीं, अधिक देने वालों में से बनाओ, अधिक देने वाला ऐसा योग्य बनाओ कि मैं अधिक देने वालों की लाइन में आऊँ, अधिक देने के योग्य बनाओ। ठीक है, हमेशा यही प्रार्थना करो। तो चलिए अब हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं जिनके नाम आज की प्रेयर में शामिल हैं। आइए उन सभी के नाम को बाबा के चरणों पर रखते हुए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं सुनीता बैठा जी, जिनका बेबी 3 साल का है, मनीषा परमार जी, गंगा जी, ज्योति जी, राहुल प्रजापति जी, अश्वनी रंगरेज जी, हैरी जी, बच्ची खुशी, बच्ची सूर्यांशी, अंकुर जी एंड अक्षय जी एंड ऑल साई फैमिलीज। बाबा सब पर कृपा करना, दया करना, रहम करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना देवा। और जिनको भी जो समस्या है, जो परेशानी है बाबा, सबकी समस्या का निवारण करना, सबके घर में खुशियाँ, सबके घर में सुख समृद्धि हो और आपका आशीर्वाद हो, हम आपके इष्ट चरणों में देवा यही प्रार्थना करते हैं कि सब खुश रहें। तो सुनीता जी के बच्चे का, उनका बेबी 3 साल का है जिसका बर्थडे है, तो सुनीता जी आपको बच्चे के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और बच्चे का जीवन बहुत उज्जवल हो, बच्चा बहुत तरक्की करे लाइफ में, बड़ा होकर बहुत सक्सेस मिले उसे और आपका और उसका हर सपना पूरा हो। मालिक आप पर और आपके बच्चे पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और गंगा जी की हेल्थ इश्यू है, बाबा उन पर कृपा करें कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। साईं सबकी रक्षा करें, बाबा सब पर कृपा करें। और अश्विनी रंगरेज जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपकी तबीयत को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और हैरी जी का बर्थडे है, हैरी जी हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा जी आपकी हर विश पूरी करें, आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करें। आप लाइफ में बहुत सक्सेस करो, बहुत आगे बढ़ो, आपका आपके परिवार का हर सपना पूरा हो। मालिक आपकी जो भी आप चाहते हो लाइफ में वो आपको मिले और आपको बहुत सक्सेस मिले लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल इंसान बनो। मालिक की कृपा, बाबा की कृपा आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर सदैव बनी रहे। साईनाथ आपको, आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बना कर रखें। हैप्पी बर्थडे। और आज बच्ची खुशी का बर्थडे है, बच्ची खुशी को और उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ बच्चे पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें, खुशी की लाइफ में बाबा हमेशा खुशियां बना कर रखें। जिस प्रकार इसका नाम है वैसे ही मालिक इसकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, इसका हर सपना पूरा हो, हर विश हर मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और बच्ची सूर्यांशी का बर्थडे है, बच्ची सूर्यांशी को, उनके फैमिली को, उनके माता पिता को बच्चे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सूर्यांशी। बाबा जी आप पर अपनी कृपा, अपनी आशीर्वाद हमेशा बना कर रखें, आपकी लाइफ में आपका हर सपना पूरा हो, आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में बाबा आपको वो दे, आपकी हर विश पूरी हो, बहुत सक्सेस करो, बहुत आगे बढ़ो, अपना, अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी हर विश पूरी हो। तो बस बाबा से यही प्रार्थना करने की, देवा सबकी इच्छा पूरी करना, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सब हेल्दी हैप्पी रहें और सबका जीवन सदा आपके श्री चरणों और आपके आशीर्वाद से हमेशा उज्जवल हो, सबका भविष्य उज्जवल हो, सब खुश रहें। तो चलिए सबकी खुशियों के लिए, सबकी अच्छी लाइफ के लिए आइए बाबा के श्री चरणों में बैठ कर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। बाबा के आशीर्वाद से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो चलिए, बाबा की कृपा बाबा के आशीर्वाद से आज का दिन शुरू करते हैं। साईं सबका जीवन बहुत खुशियों से भरपूर रखें, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। आप सभी हमेशा खुश रहें और जीवन में चल रही परेशानी से परेशान नहीं होना। आप बहुत बहादुर साईं के बच्चे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी सबूरी और कर लेते हैं, बस कुछ पल और, बस सब अच्छा हो जाएगा। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।